हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट 1916। साल 1916 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। इसी एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि सेशन कांग्रेस का था तो यहाँ पे मुस्लिम लीग क्या कर रही थी और वो क्या वजह थी जो इन दोनों पार्टीज़ को एक साथ ले आई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये एग्रीमेंट जो इनके बीच हुए, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कह रहे हैं, इस पैक्ट में एग्रीमेंट्स एक्चुअली हुए क्या क्या थे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। देखते हैं लखनऊ पैक्ट का बैकग्राउंड ताकि हमें ये क्लियर हो पाए कि लखनऊ पैक्ट एक्चुअली में हुआ क्यों था। शुरुआत करनी होगी साल 1905 से। हुआ क्या कि साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कुछ इस तरह से किया था कि बंगाल का वेस्टर्न पार्ट हिंदू मेजॉरिटी बन गया और ईस्टर्न पार्ट मुस्लिम मेजॉरिटी। पार्टीशन की खबर के साथ ही बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट खड़ा हो गया। मगर इस मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। कहने का मतलब, बंगाल पार्टीशन से मेनली हिंदूज नाराज थे जबकि मुस्लिम्स इस पार्टीशन को वेलकम कर रहे थे। बंगाल के मुसलमान इस पार्टीशन से खुश इसलिए थे क्योंकि डिवीज़न से पहले जो अनडिवाइडेड बंगाल था उसमें हिंदूज मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में। इस तरह देखा जाए तो पार्टीशन मुस्लिम्स के लिए फेवरेबल ही था क्योंकि अब मुस्लिम्स के लिए ईस्टर्न बंगाल बना दिया गया था जहां मेजॉरिटी उनकी ही थी। अब आप मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से पार्टीशन को समझने की कोशिश करो। एक तरफ है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मुस्लिम्स के भले के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस बात पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो सिचुएशन ये थी। तो ऐसी सिचुएशन में साल 1906 में मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की गई। मुस्लिम लीग के फाउंडर्स थे ख्वाजा सलीमुल्ला, विक्रमुल मुल्क, सैयद आमिर अली, खान बहादुर गुलाम और सर सुल्तान मोहम्मद खान, यानी आगा खान III। शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग की स्ट्रेटजी ये थी कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़े तो भाई करो। बट एक एक करके ऐसे इवेंट्स हुए जिससे इनको समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करके और उनके प्रति लॉयल रहकर इनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये इवेंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911, यानी बंगाल के पार्टीशन को खारिज कर देना। इसके अलावा तीसरा इवेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाने वाली थी, जिसे मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म कहा जाता है। तो मुस्लिम लीग का प्रयास यहाँ पर यह था कि यहाँ इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए अगर कुछ अच्छे रिफॉर्म्स आ जाएं तो बढ़िया रहे। इसके चलते इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। इनकी डिमांड्स कुछ इस तरह की थी। जैसे इन्होंने मांग की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए कुछ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी इन एरियाज में सीट्स कुछ इस तरह से रिजर्व की जाए कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो पाए और इन एरियाज में वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करें। मतलब मान लो एक एरिया में अगर 100 लोग रहते हैं और उन 100 में 70 लोग मुस्लिम हैं तो कैंडिडेट जो है वो भी मुस्लिम होगा और उन 100 लोगों में सिर्फ वो 70 मुस्लिम ही वोट करेंगे और बाकी जो 30 लोग दूसरे धर्म के हैं वो वोटिंग भी नहीं करेंगे और ना ही उनका कैंडिडेट वहाँ से खड़ा हो सकता है। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट की। और डिमांड सिर्फ यही नहीं थी, इसके अलावा और भी डिमांड्स थी। जैसे कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लोग चाह रहे थे कि दो इंडियंस आने चाहिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो बेसिकली ये उम्मीद कर रहे थे कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म जो है वो इनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा, और कुछ हद तक लाया भी। और एक्चुअली में मुस्लिम लीग ने मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो दो इंडियंस की बात इन्होंने की थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इस पॉइंट पर ब्रिटिशर्स ने इनको धोखा दे दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक ही इंडियन लिया और वो भी सिर्फ हिंदू। इसके बाद जो दूसरा इवेंट था वो था एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। बेसिकली कहने का मतलब, 1905 में जो बंगाल पार्टीशन किया गया था उसको अब खारिज कर दिया गया।
हुआ क्या कि 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद पूरे देश में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ गई और बंगाल पार्टीशन को खारिज कर दिया और वापस से बंगाल जो है वो अब अनडिवाइडेड बंगाल बन गया। इस खबर के साथ ही हिंदूज में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था। वैसे तो ये दोनों ही इवेंट्स काफ़ी थे मुस्लिम लीग को ये समझाने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को लेकर सीरियस नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत भी कसर बाकी रह गई हो तो उसे समझाने के लिए एक और इवेंट हुआ। तो 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। इस वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ये एरिया मैप में देख रहे हो आप, ये है ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान जिन्हें कैलिफ कहा जाता था, उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। इसका मतलब इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी इनको स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, है कि नहीं। अब बात ये है कि ये वर्ल्ड वार हो रहा था दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली, जबकि सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यानी मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर जो हैं वो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो अब आप ही बताओ, भारतीय मुसलमानों की लॉयल्टी किसकी तरफ रहेगी? ऑब्वियसली ऑटोमन एम्पायर की तरफ, राइट? तो अब यार एक बात बताओ, जो तीन पॉइंट्स मैंने बताए, इसके बाद मुस्लिम लीग ब्रिटेन को सपोर्ट कर सकती थी? नहीं, राइट? तो इसी के साथ मुस्लिम लीग ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुड टैग दिया हुआ था उसको वापस ले लिया। लेकिन मुस्लिम लीग को अब ये सोचना था कि अब आगे किया क्या जाए मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप खुद सोचो, अगर आप मुस्लिम लीग के लीडर होते तो क्या करते? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या आप अपने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाते? तो बस मुस्लिम लीग ने वही किया। आइडिया था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टीज मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी और अपनी डिमांड्स मनवाएंगी। यानी समय आ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने का। यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ लाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक्चुअली इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1906 में और मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में। यानी उस समय ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। इनफैक्ट इन्होंने कांग्रेस काफ़ी बाद में छोड़ी 1920 में। तो इन्हीं के प्रयासों के कारण दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो मिलकर एक साथ सेशन करेंगी। इस पर सरोजनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया, उन्होंने इन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बताया। तो ये था बैकग्राउंड जिसके कारण ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में साथ आए। अब देखना ये है कि लखनऊ सेशन 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था उसमें एक्चुअली एग्रीमेंट्स हुए क्या क्या थे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो के नोट्स bookstava.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। bookstava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ देखते रहने के लिए bookstava चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग bookstava।